एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं कल साड़ी रख दी थी पैक वैक करके, बट अभी देखना है कि दिखाओ साड़ी, क्योंकि आजकल मम्मी नीचे रह रही थी, मंदिर वगैरह का हमारे घर में काम चल रहा है ना, तो वो देखने के चक्कर में। तो ये वाली साड़ी मैं सोच रही हूँ मम्मी को दूँ कुछ पूजा पाठ में पहनने वहनने के लिए। ये वाली लेके चलते हैं, पतिदेव का मन है कि ये वाली साड़ी मम्मी पहने, बट मुझे मम्मी के हिसाब से बहुत भारी लग रही है, तो देखते हैं मम्मी को कैसी लगती है। चल रहा था सेम वही मम्मी का भी था कि नहीं इतना भारी साड़ी पहनूंगी, अजीब लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। लेकिन मम्मी के बेटे को ये है कि नहीं, मतलब उनको शुरू से है, उनको ना सबको लेके है घर में कि हमारे घर की बहू है ऐसे सजे सवरे, इतना भारी कपड़ा पहने, मेरी मम्मी भारी कपड़े पहने, तो वो ये सोचते हैं हमेशा। और उस चक्कर में ना कभी कभी तो वो हमें कार्टून बना के भी ले जाते हैं कई कई जगह ऐसे, जहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग सब सिंपल पहने होते हैं और हम एकदम ताम झाम में जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पतिदेव की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि उनको पसंद है तो हम लोग वो है, क्योंकि शुरू से हमारे घर में कपड़े का वो करते हैं कि ये ऐसे पहन लो मम्मी, ऐसे पहन लो। और मैंने जब वो ये बोल रहे थे ना कि मम्मी को ये साड़ी देना, तो मैंने कुछ बोला नहीं था कि कहीं उनके मन में ये ना लगे कि क्या पता नहीं देने का मन हो इसलिए ऐसे कह रही है। मैंने मम्मी पे ही छोड़ दिया था कि मम्मी को पहनना होगा तो देख लेंगे, बट वही सेम था कि इतना भारी साड़ी थोड़ी पहनूंगी। सच में एज के हिसाब से चीज़ें अच्छी लगती है कभी। सो गाइज, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, और नहा के और मैंने सोचा कि ईयरिंग्स वगैरह पहन लेती हूँ, वीडियो बनाने के टाइम पे ईयरिंग्स निकाल देती हूँ तो फेस ना बड़ा अजीब सा लगने लगता है, खाली खाली सा बिना ईयरिंग्स का, और शुरू से आदत है ना तो इसीलिए, और मम्मी भी डांटने लग जाती है। सो ईयरिंग्स पहना और उसके बाद अपना जो डेली स्किन केयर रूटीन होता है वो किया मैंने। ये देखो हमने क्या मंगाया है खाने के लिए, आज हमने क्या मंगाया है। और ये गाइस छोटा बच्चा रवीना गई है लेने, आज बाहर से मंगाया, दोपहर में बाहर से खाएंगे हम लोग खाना। पाची पाची अब और छोटा सारा नोच दो एकदम। दोनों बच्चे मम्मी को कुछ ना कुछ बोल के चिढ़ा रहे थे, तो वही मम्मी यहाँ पे इन दोनों का वो कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के दोपहर से आज बाहर से मंगाया था, फिर सब लोग सोने चले गए थे, सो गए थे, और मैं फिर उठ के आई तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे पार्सल्स आए थे, तो मैं यहाँ पर ओपन करके देख रही थी। और मतलब आजकल ऐसा हो गया ना कि जल्दी से कम्प्लीट करो, उसके बाद फिर कुछ और पार्सल्स आ जा रहे हैं, फिर कम्प्लीट करो फिर कुछ और आ जा रहे हैं। आज मैं फाइनली लेके आ रही हूँ पतिदेव को, और आज आपको आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? जबरदस्ती उठना, एक बार उठो प्लीज, एक बार उठो ना। आपको कितना मिस कर रहे हैं लोग, आपको कुछ पता भी है? अफवाहें उड़ रही है कि हम दोनों की लड़ाई हो गई है। खैर ऐसी कोई अफवाह ना उड़े, हम दोनों की एकदम हम लोग ठीक हैं। कहेंगे परसों ही कहा था कि नहीं लेके आएंगे, जब उनका मन होगा तब आएंगे, और आज लेके आ गए। क्योंकि मैंने आपके कमेंट देख के ना मुझे इतना फील हुआ कि यार ये चैनल मेरा है लेकिन लोग इनको भी बहुत पसंद करते हैं। देखा आपने कमेंट? चैनल भी नहीं खोल रहे हो क्या? नहीं, तो दो चार दिन से नहीं देख। क्यों नहीं आ रहे आप मेरे ब्लॉग में? गाइस एक ना कुछ अच्छा सा वो बताना, कुछ नहीं। चलो गाइस मैं जा रही हूँ खाना बनाने, पतिदेव का ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आजकल वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, सो आपको क्लियर हो गया होगा हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है गाइस, बस ऐसे इनका मन नहीं है।
एंड गाइज उसके बाद हम लोग चल दिए किचन में, और किचन में मैं बना रही थी रात का खाना, तो दाल चावल रख रही थी। काफ़ी लोग ना काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आप लोग दाल चावल ज़्यादा खाते हो, तो मैं आपको बता दूँ नहीं, मॉर्निंग के टाइम पे हमारे यहाँ रोटियाँ ही बनती है, बट उसके बाद फिर सब लोग लंच में भी रोटी लेके जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ना रात को दाल चावल खाते हैं, ताकि एक टाइम तो चावल खाएँ ही खाएँ। चलो पापा जी काम करें अपन। नहीं है बेचारे पापा जी को, पापा जी को खड़े हो गए, आपके मालिश करना पड़ा। ऐसे तो बच्चे होने चाहिए, पापा से भी बड़े हो जाओ कि बेचारे पापा जी छोटे पड़ जाए। पापा से बच्चे हमेशा बड़े ही बड़े होते हैं। हम लोग नहीं, हम मैं भी तो हूँ अपने पापा से बड़ी। यही चीज़। देखो गाइस, ये मेरी सासू ऑन कैमरा बुराई करते हुए पकड़ी गई आज। बुरा ऑन कैमरा क्या, सबके सामने बोल दूंगी उसमें क्या। सतवास जन सातवा महीना में लड़का हो जाला सन्नू मम्मी। रवीना के भाई के पीछे पड़ गए हैं भैया, कह रहे हैं ना कितना बड़ा है, वैसे ही पूछो मैं कुछ कह थोड़ा। इसे पौन साल छोटा है। कितना बड़ा है रवीना? नहीं एक बड़ा है एक छोटा है। दो भाई है तुम्हारे? हाँ। कितना बड़ा है तुमसे? कितना बड़ा है रवीना? है क्या करता है वो? ऐसे खेलता है। कहाँ पे? अरे मालिश तो अभिषेक भी करते हैं। अभिषेक भी खूब मस्त मालिश करते हैं ना। गाइस कैसे हो आप लोग? आ जाओ बेटा। सो सुबह हो चुकी है और आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए। आज सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, सैटरडे है, सैटरडे संडे वाले दिन तो हो ही जाता है हमारे यहाँ लेट। क्या बेटा आओ बात करा दूँ आपसे? आओ लो। तो हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़े काम के लिए। सो फिंगर क्रॉस जो सोच के जा रहे हैं वो सारी चीज़ें हो जाए, एंड आप लोग भी अपना खूब सारा ब्लेसिंग दो धनवी को, एंड सारा ब्लेसिंग दो धनवी को और हम लोग को, कि जैसा हमने सोचा है अपने बच्चे के लिए वैसी चीज़ें हम लोग कर पाएँ। और बस आज से हम शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता है, क्योंकि ना नोएडा दिल्ली यहाँ पे ना मतलब बहुत मुश्किल है। अगर आपका सोर्स है अच्छा किसी से कहीं से, तो ही आप अपने मनपसंद चीज़ें हासिल कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तब होगा। लेकिन देखते हैं कैसे क्या किया जाए जिससे कि हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ हो जाए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, थोड़ी देर में आपको बता देंगे। फाइनली हम लोग नहा धोवा के धनवी, धनवी के पापा और धनवी की मम्मा रेडी हो गए हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं रेडी हुई हूं। आप रेडी नहीं हुए हो? ये देखो ना यहाँ पे क्या हुआ आपके। पहले बताओ कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं धनवी के लिए न्यू स्कूल देखने, है ना? अब धनवी नए स्कूल में जाएंगे। कौन सी क्लास में धनवी? बताओ। मैं नर्सरी में जाऊंगी। नर्सरी में तो यहाँ पे है ना हम लोग निकल गए हैं। आज सैटरडे है तो हमने अब डिसाइड किया है कि सैटरडे संडे में हम धनवी का जो स्कूल है वो एक्सप्लोर किया करेंगे और जाके पता किया करेंगे। और जो हमने ना कुछ ऐसे स्कूल है कि जिसमें हमारा बहुत 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 ज़्यादा मन है कि इसमें हमें एडमिशन कराना है, तो इस देखते हैं कैसे होता है और क्या होता है, क्योंकि अगर आपके पास सोर्स है और अगर आपके पास पैसे हैं तो ही ऐसे स्कूलों में एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। और जो फर्स्ट स्कूल हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला स्कूल, और ये वाला स्कूल तो मुझे लग रहा है जब धनवी हुई भी नहीं थी तब से हमारे दिमाग में था कि हमारा कोई बेबी होगा। मम्मा तो दिखी भी नहीं। आपको दिखना क्या जरूरी है? मम्मा का चैनल है, मम्मा दिख लिए, आप मत दिखो।
तो तब से हमारा मन था कि हम जब भी धनवी होगी तो हम धनवी का एडमिशन स्कूल में कराएंगे. धनवी होगी ये नहीं, मतलब कोई भी बेबी होगा तो इस स्कूल में कराएंगे. तो अभी चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं और देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है. एंड दो तीन स्कूल जाएंगे हम लोग, दो तीन स्कूल में देखेंगे और जहाँ पे बेस्ट लगेगा हमारे बजट के हिसाब से, हमारे हर एक चीज़ के हिसाब से, हम वहाँ पे धनवी का एडमिशन करा देंगे. और सबसे मेन हमारा ये है ना कि हम लोग धनवी को घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहते हैं. हमारा ये है कि भले कितना भी कैसा भी स्कूल हो, मतलब कैसा भी कि जैसे हमें चाहिए उसी टाइप का, लेकिन घर के पास ही हो. तो दूर हमें नहीं भेजना है अपनी बेटी को. हमें कोई बस वैन ये सारी चीज़ों का नहीं करना है. किसने सिखाया आपको ये? गरीब को खाना देना चाहिए, गरीब को पैसे देने चाहिए, किसने सिखाया? गरीब कौन होता है बेटा? अरे आंटी. आंटी? हाँ तो देना चाहिए. अब उनको आने दो. अच्छा, हम रेड लाइट पे खड़े हैं तो रेड लाइट पे जब खड़े होते हैं ना तो वो पैसे वगैरह के लिए, तो वो धनवी को याद आ गया कि अभी कोई आएगा ना मामा पैसे देने, तो हमें देना चाहिए. हाँ, और खाना भी देना चाहिए. ये है, ये समझदार बेटी किसकी है. चलिए गाइस चलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं. चुपचाप बैठते हैं. गाइस धनिया धनी के पापा पहुंच गए. फाइनली हम लोग पहुंच गए. इतना नहीं दिखता. प्लीज हम लोग गलत गेट नंबर पे आ गए थे. अभी उधर आगे साइड से एंट्री. एंड गाइस पता है आपको एक चीज बताऊं, हर माँ बाप का ना सपना होता है कि अपने बच्चे को मतलब एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छा लाइफस्टाइल दे. मुझे लगता है हर एक माँ बाप का ये सपना होता है. हमारे माँ बाप ने अपने अकॉर्डिंग हमें दी और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग दें. एंड जब बड़ा सा स्कूल देखो ना तो ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरे बच्चा इसमें पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा. लेकिन ना जब बेटियों की बात होती है ना तो अंदर से ना बड़ी घबराहट सी भी होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके. और आजकल माहौल इतना ख़राब है ना, चलो अंदर, कि जब भी फ़ोन ओपन करो, कुछ भी वो करो, कितना उल्टा सुलटा चीज़ आता है ना. पापा कार में बैठिए. बैठ जी. है फर्स्ट स्कूल जहाँ पे आज हमने विज़िट किया. और स्कूल का तो मतलब बिल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी. प्लस हमने मतलब इसके बारे में और दो तीन लोगों से डिस्कस किया हुआ था तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया था. और बाकी मतलब मेरे को ऐसा है ना कि पढ़ाई से ज़्यादा ना मुझे धनवी को है कि एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे. तो मुझे ऐसा ही स्कूल चाहिए जहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो. पढ़ाई तो हो ही हो लेकिन एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो. तो मुझे यहाँ का रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा था. एंड काफ़ी सुंदर स्कूल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा. अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं. जो फॉर्म वगैरह था, थोड़ी सी जो चीज़ें थी वो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सब हमने पहले ही फिलअप कर दिया था. तो आज का हमें अपॉइंटमेंट मिला था. बस जो इंटरव्यू वगैरह है वो धनवी अच्छे से क्रैक कर ले तो एडमिशन हो जाएगा. बाकी देखते हैं, दो तीन स्कूल और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे. बट ये फर्स्ट स्कूल ही आज हमने विज़िट किया और पहला ही स्कूल हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. थोड़ा सा फ़ीस को लेके है कि हमारे बजट से थोड़ा सा हाई है फीस इसका. बट बच्चे के लिए अब थोड़ा देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है. गाइस हमने एक स्कूल देख लिया है और पतिदेव को ये वाला स्कूल, बोलो बोलो, बहुत 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 पसंद आ गया है. कैसे करते हैं, यही नहीं आएगी, नहीं आएगी. मुझे नहीं पसंद आया. मुझे इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि इसमें ड्रेस नहीं है. बताओ, एक वही तो फील होता है कि हम स्कूल जा रहे हैं स्कूल ड्रेस पहन के. एजुकेशन का पूरा वो चेंज हो चुका है. उनका लॉजिक भी समझो कि ड्रेस क्यों नहीं दे रहे बताना थोड़ा लॉजिक. थ्रू आउट द डे वो बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज करवाते रहते हैं. हाँ. तो उसमें बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में एक कंट्रोल्ड मैनर में बैठ सकता है. हाँ. खेल सकता है, कुछ कर सकता है. और ऐसे कम्फर्ट क्लोथिंग में बच्चा कुछ भी कर सकता है पूरे दिन. ये बोलना आसान है लेकिन एक माँ के लिए कितना टेंशन हो जाएगा. रोज सुबह सुबह क्या पिनाऊ. एक अलग ही टेंशन. लंच नहीं देना है, वो लंच नहीं देना है. हैप्पी कि लंच नहीं देना, मील्स ऑफिस स्कूल से प्रोवाइड होता है तो वो तो टेंशन खत्म होगी. वो तो टेंशन खत्म हो गई कि स्कूल से. लेकिन और भी तो बहुत सारी चीजें हैं. और प्लस मेरे को स्कूल बहुत ज्यादा हाई फाई लग रहा है. तो
ज्यादा हाई फाइव में भी डाल दो ना बच्चों को ज्यादा वैसे स्कूल में, तो फिर उनकी संगति उनका वो सब वैसे ही हो जाता है। हम ठहरे बिहारी लोग, हमारे ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लीज ये इतना ही लॉजिकल सा लॉजिक देने की, मतलब आपको पसंद है ना हर तरीके से वो बेस्ट है, मुझे नहीं पसंद है वो नहीं है, बट बात है कि किसी भी स्कूल में जाओगे हाई फाई क्या होता है, मुझे हाई फाई की परिभाषा पहली बात नहीं समझ, मतलब थोड़ा ज्यादा वैसा लग रहा है। दूसरी बात, किसी भी स्कूल में जाओगे तो कोई हमारे पास बच्चों का सर्वे तो है नहीं, इस स्कूल में कैसे बच्चे रहते हैं, उस स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, सो इट डिपेंड्स। और संगत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको पसंद है सब लेने के, ये है कि आपको पसंद है ना। यस हां, ये और ये स्कूल अभी 9 तक है लेकिन 12 तक हो जाएगा है ना, उनके बाकी सारे स्कूल्स वो। चलिए गाइस एक दो और देखेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है हमारा। इस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग भी वोट दें कि ये स्कूल कैसा है धनवी के लिए, और सजेशन भी दे सकते हैं कि नोएडा में और कौन से स्कूल्स अच्छे हैं जो लोग, क्योंकि हम नोएडा बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है नोएडा से, तो कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए। अब मैं पूछूंगा कि जो मेरे घर के पास हो तो लोगों को कैसे बताऊंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ कि मेरे घर के पास हो, नहीं मतलब जो भी अच्छा, मैं नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास बता सकते हैं आप स्कूल। एक तो डीपीएस है, तो डीपीएस का थोड़ा सा हमें है कि अभी डीपीएस ये वाला उतना अच्छा नहीं है, जो हमारे यहाँ पे है वो उतना अच्छा नहीं है, और एक जो थोड़ा सा दूर है वहाँ हम भेजना नहीं चाहते हैं बिकॉज बहुत दूर है, कोई भी दूर स्कूल हम नहीं भेजना चाहते हैं, एक बेटी की माँ और पापा की जो फीलिंग है वो आप समझ सकते हैं। छोटा बच्चा हो उसका स्कूल ट्रैवलिंग में ही अगर टाइम निकल जाता है तो फिर बच्चा थक इतना जाता है कि उसका बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप उसको डालना चाहो, या फिर घर पे भी बच्चा फ्रीली नहीं रह पाएगा अगर वो ट्रैवलिंग, हम लोग ऑफिस जाते हैं उसमें 40-45 मिनट्स हमारा ट्रैवलिंग टाइम होता है, हमारी जान निकल जाती है, तो बच्चा छोटा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है इतनी दूर आधा पौना घंटा एक घंटा उसको जाने में लग रहा है, तो बच्चे के लिए भी बहुत टायरिंग होता है, तो इसलिए स्कूल हमेशा घर के आसपास ही रहता है। और ये जो स्कूल टाइमिंग है इसका 8:15 से 2 बजे तक, सवा दो बजे तक, बाप रे इतना लंबा, मेरे बच्चे को मैं छोड़ के कैसे लाऊंगी इतना लंबा, अभी तो मेरी धनवी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाती है तो मुझे इतना ज्यादा लगता है, 9:30 जाती है 12 बजे आ जाती है, और इतनी धूल जाएगा इतनी बोले स्कूल में तो और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन। जी का कहते नहीं गाड़ी आई ना, अरोरा लेके जाए पड़ी छोड़े गोदी में उठा के बहुत दूर गाइस, घर पहुंच के और पापा जी को बोला कि एडमिशन हो गया, तो कह रहे आगे अच्छा हुआ बेटा।